एक्टर सतीश कौशिक मौत मामले में जांच होगी। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, विकास मालू की पत्नी के आरोपों पर दिल्ली पुलिस की जांच होगी। साउथ वेस्ट जिले की पुलिस आरोपों पर अब जांच करेगी। इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी की अगुवाई में जांच होगी। महिला को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जाएगा। और सतीश कौशिक की मौत पर विकास मालू की पत्नी का बड़ा आरोप सामने आया है। हम आपको बताते हैं कि आरोप क्या लगाया गया है। 15 करोड़ रुपए के चक्कर में सतीश कौशिक का मर्डर, यह आरोप लगाया है और यह बहुत सनसनीखेज आरोप है। विकास मालू ने कौशिक को 15 करोड़ लौटाने से इनकार किया था। अगस्त 2022 में कौशिक मालू के बीच पैसों को लेकर बहस हुई थी और अब आरोप लगाया जा रहा है पत्नी की तरफ से, विकास मालू की पत्नी की तरफ से ये बड़े आरोप लगाए गए हैं कि पैसों के चक्कर में मर्डर किया गया है। एक्चुअली मैंने सतीश जी की जो मर्डर मिस्ट्री चल रही है, जो न्यूज़पेपर में आया है कि उनकी डेथ हुई है और वहाँ फार्म हाउस पे उनके पास कोई ऑब्जेक्शनेबल मेडिसिन मिली हैं, तो इसी बारे में ही मैंने कंप्लेंट करी है। क्योंकि सतीश जी मेरे हस्बैंड विकास मालू के फार्म पे ही होली पार्टी में आए थे और वहीं से मेडिसिन मिली हैं, वहीं उनको जो भी उनकी तबीयत ख़राब हुई उस बारे में है। लेकिन इस बात से पहले, कुछ टाइम पहले 2022 अगस्त में मेरे हस्बैंड और सतीश जी के बीच में कोई पैसों को लेके आर्ग्यूमेंट हुई थी और जिस आर्ग्यूमेंट में सतीश जी ने, जो मेरे हस्बैंड विकास मालू को 15 करोड़ रुपए दिए हुए थे, वो उनसे वापस मांग रहे थे क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत थी, पर मेरे हस्बैंड ने उन्हें कहा कि ये पैसे मैं आपको इंडिया में दूंगा और ये आर्ग्यूमेंट दुबई में चल रहा था। ये आर्ग्यूमेंट 2 दिन चला, एक 23 अगस्त को, एक 24 अगस्त को। तो 24 अगस्त को जब दोबारा आर्ग्यूमेंट हुआ तो उन्होंने कहा कि जब मैंने आपको कह दिया है कि मैं आपको ये पैसे इंडिया में दूंगा और इन पैसों का कोई हिसाब तो है नहीं क्योंकि कैश में लेन देन हुआ था, तो आप कोई कानूनी कार्रवाई तो कर नहीं सकते। सतीश जी को ये सुन के बहुत अजीब लगा था और उन्होंने एक्चुअली जो भी इन्वेस्टमेंट के तरीके से पैसे दिए थे वो कह रहे थे कि मुझे वापस चाहिए। बाद में जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये किस बात के पैसे मांग रहे हैं और ये क्या आर्ग्यूमेंट चल रहा है आपका, तो मुझे यही बोला गया कि सतीश जी ने 15 करोड़ रुपए उनको दिए थे जो कि कोरोना के टाइम पे डूब गए, तो विकास मालू जो मेरे हस्बैंड हैं उनको शायद पैसे रिटर्न करने का मन नहीं था, तो उन्होंने बोला कि मैं ये पैसे रिटर्न नहीं करूँगा।